हेलो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले के टॉपिक्स में डेली रूटीन के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बताना बोलना सीख लिया है। आई होप कि आपने डेली रूटीन की खूब प्रैक्टिस कर ली होगी और अब आप परफेक्टली अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बोल पा रहे होंगे। आज हम डेली रूटीन में हाउ टू आस्क क्वेश्चन पर बात करेंगे और डेली रूटीन के प्रश्न और उनके उत्तरों को इंग्लिश में बोलने का अभ्यास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम हमारा है, कुछ ऐसे वर्ड ले लेंगे जिनके बारे में हम कुछ पूछने वाले हैं, जैसे गेट अप, बाथ, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, डांस, टॉक, प्ले, गो टू स्लीप। ये कुछ वर्ड ले लिया हमने। इन वर्ड से हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ पूछेंगे डेली रूटीन में किस तरह से पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड आना चाहिए जो है डिया। डिया का मतलब होता है क्या आप। एक्चुअली डिया डू यू को ही बोलते हैं। डू यू को बोलचाल की भाषा में डिया बोला जाएगा। तो डिया बोलने से डू यू, क्या आप, ये बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो ये शब्द हैं इनके आगे डिया लगा करके प्रश्न बनाएंगे। गेट अप, तो देखिए डिया गेट अप, डिया गेट अप का मतलब होता है क्या आप उठते हो, डिया गेट अप। डिया प्ले, डिया बाथ, डिया नो, डिया गो टू स्कूल, डिया गो टू मार्केट, डिया डांस, डिया टॉक, डिया गो टू स्लीप। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। डिया गेट अप, क्या आप उठते हो। डिया प्ले, क्या आप खेलते हो। डिया बाथ, क्या आप नहाते हो। डिया नो, क्या आप जानते हो। डिया गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। डिया गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हो। डिया डांस, क्या आप नाचते हो। डिया टॉक, क्या आप बातें करते हो। डिया गो टू स्लीप, क्या आप सो जाते हो या सोने जाते हो। तो देखिए डिया लगाने से आपका पूरा कंप्लीट प्रश्न बन जाएगा, क्या आप करते हो, जो भी आप करते हो, तो पूरा प्रश्न आपका बन जाएगा। इन सेंटेंस को अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, जो क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ इनको थोड़ा सा और लंबा करने की कोशिश करेंगे। जैसे डिया गेट अप, डिया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि आप हाँ बोलना चाहते हैं या आई डू, ना बोलना चाहते हैं नो आई डोंट, डिया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या आई डू, नो आई डोंट। डिया प्ले इन द मॉर्निंग या आई डू, नो आई डोंट। डिया बाथ डेली या आई डू, नो आई डोंट। डिया नो एनीथिंग या आई डू, नो आई डोंट। डिया गो टू स्कूल या आई डू, नो आई डोंट। डिया गो टू मार्केट इफ यू डोंट हैव मनी या आई डू, नो आई डोंट। डिया डांस इन पार्टीज या आई डू, डोंट। डिया गो टू स्लीप अर्ली या आई डू, नो आई डोंट। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। आपको हाँ बोलना है तो यह आई डू होता है, यस आई डू, और मना करना है नो आई डोंट। तो इस प्रकार से आप इसके प्रश्न भी और उत्तर भी आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कभी कभी हम सीधे ना पूछ करके चाहते जोड़ लेते हैं साथ में, जैसे कि क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बोलने के लिए हमारे पास एक और टेम्पलेट है जिसका नाम है डियावाना। डियावाना, डियावाना का मतलब होता है क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं। डियावाना का जो शुद्ध रूप है वो डू यू वांट टू होता है। तो डू यू वांट टू को हम डियावाना बोलेंगे, डियावाना। तो इसको लेकर के हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, कुछ प्रश्न बनाएंगे। शुरू करते हैं।
अब हम डिया के साथ वाना जोड़ेंगे और फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे डिया वाना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस आई वाना, नो आई डोंट वाना। आगे बढ़ते हैं, डिया वाना प्ले इन द मॉर्निंग, डिया वाना प्ले इन द मॉर्निंग, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना बाथ डेली, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना नो द रीजन, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना गो टू स्कूल, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना गो टू मार्केट, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना डांस इन पार्टीज, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना टॉक टू हिम, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। डिया वाना गो टू स्लीप अर्ली, या आई वाना, नो आई डोंट वाना। इस प्रकार से आप इंग्लिश बोलने का बार बार इन सेंटेंस को बोलने का अभ्यास कीजिए। डिया जोड़िए, डिया के साथ वाना जोड़िए, सिंपल सेंटेंस बनाइए, अपने रूटीन को बोलिए, बच्चों के साथ बोलिए, बच्चों से पूछिए, अपने साथियों से बोलिए। इस प्रकार से आप रूटीन को इंग्लिश में बोल पाएंगे और लगभग इन तीन टॉपिक्स में आपका रूटीन लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा कि इंग्लिश बोलना आसान है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, आप रूटीन अपना रूटीन ठीक से बोल पाएंगे। फिर आप एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।